नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सेशन में आपको एग्रीकल्चर डे वीक ईयर्स डिकेड्स यानी एग्रीकल्चर में जितने भी कृषि दिवस या फिर वीक्स हैं या ईयर्स हैं तो उनके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अंत तक पूरा देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वो रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट ईयर्स यानी कौन कौन से महत्वपूर्ण ईयर्स हैं जिनको इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया। जैसे पहला है 2002 यानी 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स घोषित किया गया है। इसको 2002 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ माउंटेन्स के नाम से भी जानते हैं। 2003 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। 2004 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। 2005 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। जो 2005 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइक्रो क्रेडिट। 2006 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट्स एंड डेजर्टिफिकेशन के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2007, ये है इंटरनेशनल पोलर ईयर। 2008 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पोटैटो एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर्स, ये दोनों हैं। जो हमारा 2009 है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ह्यूमन राइट्स लर्निंग। 2010 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा जो है 2011, वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव। जो 2012 है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। जो 2013 है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कोऑपरेशन एंड 2014 है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग। 2015 है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल के नाम से भी जानते हैं। 2016 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के नाम से जानते हैं। 2017 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट एंड 2019 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस यानी 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। 2020 जो है वो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ यानी 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ के नाम से जानते हैं। एंड 2021 यह है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड 2022 को नाम से जानेंगे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर। दोस्तों ये भी जो इंटरनेशनल ईयर्स होते हैं वो यूएन के द्वारा घोषित किए जाते हैं। तो जैसे 2021 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के नाम से हम जानेंगे और 2022 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के नाम से। जो 2023 यानी 2023 है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स होगा, ये फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित किया गया। अब दोस्तों इस कड़ी में आते हैं इंटरनेशनल डेज, जो भी इंटरनेशनल दिवस होते हैं। जैसे हमारा है वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे किस दिवस को मनाया जाता है, वो है 2 फरवरी को। अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, ये 23 मार्च को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसको हम इस फार्मूले से भी याद कर सकते हैं कि FWM यानी फॉरेस्ट वाटर डे एंड मेट्रोलॉजिकल डे। तो ये है 21 मार्च को, ये है 22 मार्च को, ये है 23 मार्च को। तो इस कड़ी में आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे, ये है 7 अप्रैल को और जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे,
या अर्थ डे जिसको हम बोलते हैं वो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉवर्टी डे ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। जो वर्ल्ड वेटरनरी डे है वो लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल यानी अप्रैल मंथ के लास्ट सैटरडे पे मनाया जाता है वर्ल्ड वेटरनरी डे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे जो कि 1 मई को मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस। एंड इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड डे ये 10 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे ये 15 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये 22 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड नो टोबैको डे ये 31 मई को मनाया जाता है। दोस्तों वर्ल्ड नो टोबैको डे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 31 मई को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड मिल्क डे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट 17 जून को मनाया जाता है। अगला है इस कड़ी में स्टैटिक्स डे जो कि 29 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर को। एंड इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन ये 16 सितंबर को। अगला है हमारा वर्ल्ड नेचर डे ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल डे ये 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वोमेन ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वोमेन ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला है इंटरनेशनल पॉवर्टी डे जो कि 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों जो नेशनल मिल्क डे है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वर्ल्ड सॉइल डे ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल टी डे ये 15 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये तीनों लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला है फार्मर्स डे जो कि 23 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। नेक्स्ट है हमारा अदर इंपॉर्टेंट डेट्स इन इंडिया, इंडिया में जो अदर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है वाटर रिसोर्स डे 11 मार्च को मनाया जाता है। पंचायती राज डे 24 अप्रैल को यानी पंचायती राज व्यवस्था इसी दिन लागू हुई थी 24 अप्रैल को। एग्रीकल्चर डे इंडिया का जो होता है वो 1 जुलाई को होता है। नाबार्ड फाउंडेशन डे 12 जुलाई को। दोस्तों नाबार्ड का फाउंडेशन 12 जुलाई 1982 में हुआ था। अगला है हमारा ICAR डे यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका दिवस है 16 जुलाई। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को ICAR न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली में। अगला है हमारा नेशनल मिल्क डे जिसको हम 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है लेकिन जो नेशनल मिल्क डे होता है, जो हमारा नेशनल मिल्क डे होता है वो 26 नवंबर को होता है और जो वर्ल्ड मिल्क डे होता है वो 1 जून को होता है। अगला है एग्रीकल्चर एजुकेशन डे ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है जो कि इम्पॉर्टेंट है ये। एग्रीकल्चर वुमेन डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। अगला है हमारा इंटरनेशनल डिकेड्स यानी दशक। तो पहला है डिकेड्स, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन, ये 2016 से 2025 को घोषित किया गया है। 2016 से 2025 को यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑफ एक्शन ऑफ न्यूट्रिशन घोषित किया गया है। अगला है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ, ये 2005 से 2015 तक घोषित किया गया है। इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ। अगला यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये 2011 से 2020 के लिए घोषित किया गया था। दोस्तों अगला है हमारा इंटरनेशनल वीक्स यानी इंटरनेशनल सप्ताह कौन सा है, इसमें पहला एक ही है ग्लोबल सॉयल वीक जो कि 19 से 23 अप्रैल
यानी एक सप्ताह 19 से 23 का जो 7 दिन होता है, ये जो बीच का दिन है ये इंटरनेशनल ग्लोबल सॉयल वीक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों धन्यवाद।